वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू केमी वॉरियर्स। आज हम लोग बात करेंगे लेक्चर नंबर 18 की, जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्टर के बारे में बात करेंगे। और ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके थे MFR इन सीरीज का, तो फिर आज बात करेंगे PFR इन सीरीज एंड MFR एंड PFR इन पैरेलल। तो पैरेलल अरेंजमेंट की भी बात करेंगे और फिर उसके बाद उन सभी का मिक्स अरेंजमेंट की भी बात करेंगे। तो चलिए आज हम लोग अभी डिस्कस करेंगे यहां से PFR इन सीरीज के बारे में। तो PFR इन सीरीज दैट मींस मैं दो या दो से अधिक PFR को सीरीज में कंसीडर कर लूं, और सीरीज में कंसीडर करके मैं कुछ ऐसा मान लूं कि यहां का इसका वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट वी नॉट होगा, कंसंट्रेशन सी ए नॉट होगा, मोलर फ्लो रेट एफ ए नॉट होगा, टाइम हम लोग टी इक्वल टू जीरो की बात करेंगे तो यहां से कन्वर्जन जो होगा हमारा एक्स ए इनिशियल कंडीशन का वो भी जीरो होगा। मैं यदि इसके एग्जिट की बात करूं, कंसंट्रेशन लेन डाउन द रिएक्टर डिक्रीज होगा क्योंकि PFR है, तो यहां पर कंसंट्रेशन कुछ हमारा CA1 होगा, मोलर फ्लो रेट भी डिक्रीज होकर FA1 हो गया होगा, लेकिन वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट सीरीज में चेंज नहीं होता, ये V0 ही रहेगा, और कुछ कन्वर्जन तो मिला होगा, ये XA1 होगा। यहां पर मैं एग्जिट की बात करूं तो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट अब भी V0 ही रहेगा, और कंसंट्रेशन अब और डिक्रीज होकर CA2 हो गया होगा, मोलर फ्लो रेट FA2 हो गया होगा, और यहां से ये XA2 हो गया होगा, ठीक है। और यदि मैं यहां से सिंपल कुछ कंक्लूजन की बात करूं, तो पहला कंक्लूजन याद रखिएगा कि सीरीज अरेंजमेंट में कभी भी वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट चेंज नहीं होता। दूसरा कंक्लूजन, पैरेलल अरेंजमेंट में कभी भी कंसंट्रेशन चेंज नहीं होता, कभी भी एक स्ट्रीम दो पैरेलल या दो से ज्यादा पैरेलल स्ट्रीम में डिवाइड हो तो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट चेंज होगा, मोलर फ्लो रेट चेंज होगा, लेकिन कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगा। सीरीज में वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट चेंज नहीं होगा, अगर रिएक्शन हो रही है तो कंसंट्रेशन ड्रॉप होगा, रिएक्शन नहीं हो रही तो कंसंट्रेशन में भी इफेक्ट नहीं होगा, मोलर फ्लो रेट में भी इफेक्ट नहीं होगा, बट हम लोग रिएक्टर की बात कर रहे हैं तो रिएक्शन होगी तो मोलर फ्लो रेट और कंसंट्रेशन दोनों ड्रॉप होंगे। अब मैं यहां से बात करूं, यदि ये एक रिएक्टर है जिसका वॉल्यूम V1 है और इसका स्पेस टाइम tau1 मान ले, ये रिएक्टर का वॉल्यूम V2 और स्पेस टाइम हम लोग tau2 मान ले, तो यहां से मैं tau1 और tau2 की बात करूं तो यहां से बेटा हमारा tau1 इक्वल टू V1 बाई V0 इक्वल टू, हम इसको कैसा लिख सकते हैं, माइनस CA0 टू CA1 DCA बाई माइनस RA। सिमिलर वे में हम लोग इसके लिए tau2 लिख सकते हैं, tau2 इक्वल टू V2 बाई V0 इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस CA1 टू CA2 DCA बाई माइनस RA, हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। और इस पॉइंट का जो माइनस आर ए होगा, इस पॉइंट का ये क्या होगा, के सी ए टू द पावर एन, और सी ए यहां पर क्या है, सी ए वन, तो ये सी ए वन। अच्छा, यहां का कंसंट्रेशन क्या है, यहां भी सी ए वन है, तो ये भी होगा के सी ए वन टू द पावर एन। दोनों रेट सेम है, मतलब इसके एग्जिट का, इसके इनलेट का रेट सेम है, क्योंकि इसके पाइप में कोई रिएक्शन नहीं हो रही होगी, इसलिए हम लोग बोलेंगे टोटल टाउ इक्वल टू, हम बोल रहे tau1 प्लस tau2 इक्वल टू, ये हो गया v1 प्लस v2 अपॉन v0 इक्वल टू, यहां से हमारा क्या हो जाएगा, दोनों को हम ऐड कर देंगे, माइनस CA0 टू CA2 DCA बाई माइनस RA, ठीक है, ये फाइनल फॉर्मूला आता है। और यहां से चाहे मैं ओवरऑल वॉल्यूम की बात करूं या ओवरऑल टाउ स्पेस टाइम की बात करूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप सिंगल PFR आप इक्विवेलेंट वॉल्यूम का यूज करिए, या छोटे छोटे बहुत सारे आप PFR सीरीज में यूज करिए, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ओवरऑल परफॉर्मेंस इक्वेशन सेम होगी, कंसंट्रेशन जो फाइनल एग्जिट कंसंट्रेशन होगा वो सेम होगा, जो फाइनल एग्जिट कन्वर्जन होगा वो भी सेम होगा। तो हम यहां पर दो कंक्लूजन की बात करेंगे, पहला ये कि देयर इज नो एनी इफेक्ट ऑन कन्वर्जन फॉर सीरीज अरेंजमेंट ऑफ PFR, और दूसरा हम लोग क्या बात करेंगे कि वी कैन यूज अ सिंगल PFR ऑफ इक्विवेलेंट वॉल्यूम इंस्टेड ऑफ PFRs इन सीरीज। तो दो पॉइंट यहां पर याद रखने आपको। चलिए तो मैं नेक्स्ट बात करता हूं थर्ड MFR इन पैरेलल की केस की। अगर बेटा हम लोग यहां पर कंसीडर करें वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट V0 होगा, कंसंट्रेशन सी ए नॉट होगा, मोलर फ्लो रेट एफ ए नॉट होगा, और यहां पर कन्वर्जन अभी एक्स इक्वल टू जीरो होगा, और ये टाइम टी होगा। चलिए टाइम टी जो होगा वो टी इक्वल टू जीरो पर हम कंसीडर कर रहे हैं। अब दो पार्ट में यहां पर डिवाइड हुआ, एक पार्ट हमारा ये हो गया और एक पार्ट ये हो गया। अगर मैं ऊपर वाले को सेक्शन 1 मान लूं और नीचे वाले को सेक्शन 2 मान लूं, तो ऊपर वाले का बेटा वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट चेंज होकर अब V0 1 हो जाएगा, नीचे वाले का वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट V0 2 हो जाएगा। बट एक चीज यहां पर याद रखिएगा कि जो हमारा V0 होगा ये हमारा दोनों के सम के इक्वल होगा, V0 1 प्लस V0 2,
चलिए पहला केस ये हो गया, जो मोलर फ्लो रेट होगा वो भी चेंज हो जाएगा, ये एफ ए नॉट वन हो जाएगा और ये एफ ए नॉट टू हो जाएगा, और इसी तरह अगर मैं बोलूं कि टोटल मोलर फ्लो रेट जो एफ ए नॉट होगा ये एफ ए नॉट वन प्लस एफ ए नॉट टू के सम के इक्वल हो जाएगा। चलिए अगर मैं कंसंट्रेशन की बात करूं तो पैरेलल अरेंजमेंट में कंसंट्रेशन चेंज नहीं होता, ये भी सी ए नॉट रहेगा, ये भी सी ए नॉट रहेगा। और किसी को डाउट हो सर क्यों चेंज नहीं होगा, तो जो मेरा बेटा डिटेल लेक्चर है आप वहां पर जाके देखिए, मैंने पूरा फील कराया हुआ है ये चीज। चलिए यहां से हमारा ये फीड इस रिएक्टर के लिए हो जाएगा और ये वाला फीड इस रिएक्टर के लिए हो जाएगा। मान लीजिए यहां कोई भी रिएक्शन हुई, रिएक्शन होकर एग्जिट हुआ, तो ये वी नॉट वन अभी भी अब एग्जिट के बाद सेम रहेगा, ये V not 1 ही रहेगा। FA not 1 अब ये चेंज हो जाएगा कुछ, ये FA not FA 1 कर दीजिए आप इसे, ठीक है, ये FA not 1 था अब ये FA 1 कर दीजिए आप, यहां पर ये CA not था तो ये CA 1 कर दीजिए। चलिए मैं यहां पर बात करूं तो ये V not 2 क्या हो जाएगा, ये एग्जिट का V not 2 बेटा हो जाएगा V not 2, क्योंकि चेंज नहीं होगा, जितना इनलेट होगा उतना एग्जिट होगा। स्टडी स्टेट MFR की बात करें, एफ ए नॉट टू जो होगा ये अब एफ ए टू हो जाएगा, और सी ए नॉट जो था ये बेटा हम लोग सी ए टू मान ले। अगर दोनों का वॉल्यूम सेम है, दोनों का वॉल्यूम सेम है, दोनों में सेम रिएक्शन हो रही है, तो दोनों का कंसंट्रेशन सेम होगा। बट पहले से अगर हम नहीं कंसीडर करें तो हम ये नहीं बोल सकते कि पर्टिकुलर पैरेलल अरेंजमेंट में लेके आप कन्वर्जन या कंसंट्रेशन इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। पैरेलल अरेंजमेंट बेटा कभी भी कन्वर्जन को इंक्रीज करने के लिए यूज नहीं करते, पैरेलल अरेंजमेंट आप प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। अगर मैं इन दोनों को मिक्सअप करके बात कर दूं और मैं यहां पर बोलूं कि इसका वॉल्यूम V1 और tau1 टाइम, इसके लिए वॉल्यूम V2 और टाइम tau2, अगर हम ऐसा मान ले, अगर हम मान ले कि ये tau1 इक्वल टू tau2 होगा, ठीक है, तो फिर बेटा दोनों का कन्वर्जन सेम होगा। उस केस में हमारा एक्स ए वन इक्वल टू एक्स ए टू हम कह सकते हैं, या मैं उल्टा बोल दूं कि एक्स ए वन इक्वल टू एक्स ए टू होगा तो फिर टाउ वन इक्वल टू टाउ टू होगा, और टाउ वन इक्वल टू टाउ टू का मतलब कि वी वन अपॉन वी नॉट वन इक्वल टू हो जाएगा वी टू बाई वी नॉट टू, जो कि ये बताता है कि किस रेशियो में यहां पर हमारा ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट यहां पर इंटर करेगा, किस रेशियो में वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट यहां पर इंटर करेगा, या मैं बोलूं कि कितना वॉल्यूम यहां इंटर करेगा कितना यहां इंटर करेगा, और यहां से हम लोग कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। चलिए तो यहां से अब दो कंक्लूजन याद कर लीजिए। पहला कंक्लूजन ये कि MFR या PFR दोनों अरेंजमेंट में किसी को भी अगर आप पैरेलल में लेते हैं तो कोई फायदा नहीं होता, कन्वर्जन में फायदा किस में होता है, क्यों हम लोग यूज करते हैं, या तो प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए, या तो उसको स्टैंड बाई में रखने के लिए, अगर एक में कोई प्रॉब्लम हो गई दूसरा स्टार्ट कर देंगे, या फिर आप अपने प्लांट की कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए, या फिर डिफरेंट ग्रेड्स के प्रोडक्ट को वहां पर प्रोड्यूस करने के लिए, कि दोनों के लिए फीड एक ही है लेकिन दोनों में रिएक्शन अलग अलग कर दें, एक कैटालिस्ट की प्रेजेंस में हो एक विदाउट कैटालिस्ट हो, किसी भी तरह से, देन हम लोग डिफरेंट ग्रेड्स के प्रोडक्ट के लिए। चलिए इसी तरह बेटा पीएफआर का भी सेम है, तो मैं यहां पर यह नहीं बोलूंगा, बस मैं क्या बोलूंगा, स्टैंड बाई के लिए, अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, ठीक है, और या सिंपल सा डिफरेंट ग्रेड्स के प्रोडक्ट के लिए। चलिए तो फिर अब हम बात करेंगे एमएफआर एंड पीएफआर इन सीरीज एंड एमएफआर एंड पीएफआर इन सीरीज की, तो पहले एमएफआर होगा या पहले पीएफआर होगा, तो चलिए कल इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे, और ये बेटा हम कल के दिन डिस्कस करेंगे सीरीज और सिंगल एमएफआर के, तो चलिए ये दो पार्ट हम लोग कल डिस्कस करेंगे। एक पार्ट मुझे आप लोगों से डिस्कस करना है, जब मैंने लास्ट टाइम ये पढ़ाया बेटा, मैंने वहां पर ये n इज ग्रेटर देन 1, n इक्वल टू 1 और n इज लेस देन 1 कर दिया था। जब सिंगल एमएफआर सिंगल पीएफआर के कंक्लूजन की बात करते हैं तो वहां जीरोथ ऑर्डर के बेसिस पे पॉजिटिव और निगेटिव ऑर्डर के लिए देखते हैं, तो बेटा मेरी मिस्टेक हो गई थी, यहां से ये 1 नहीं होगा ये 0 होगा। चलिए तो ये आज का डीपीपी और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कल वाला डीपीपी जो लास्ट क्लास वाला था वो मजेदार था, ठीक है, अगर आप लोगों ने किया होगा तो अच्छा लगा होगा और उसका सलूशन आपको मिल जाएगा। चलिए तो आज का सेशन में ये एंड करूंगा, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, मिलते हैं कल के दिन लेक्चर नंबर 19 के लिए, सुपर फॉर्म में आगे मूव करेंगे और अपना बेस्ट ट्राई करते रहिए। गुड लक एंड जय हिंद दोस्तों।